हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक ठाक मज़े में आपका भाई फिर हाजिर है भाई क्रिकेट 360 के न्यू एपिसोड के साथ। तो भाई जान, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो कर लो फॉलो। तो भाई जान, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वर्सेस यूएसए। तो भाई आज का मैच जो हुआ है उसमें भाई जान एज़ यूजल लग तो यही रहा था कि यूएसए जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह से यूएसए ने ये मैच जीता है तो भाई वो मैच तो भाई जो उन्होंने जीता है, लेकिन जो मुझे बुरे बुरे किस्म के ख्यालात आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोगों के साथ भी ये बुरे बुरे से जो ख्यालात जो मुझे आ रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। तो कनाडा ने भाई पहले बैटिंग करते हुए भाई 194 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसके जवाब में भाई यूएसए ने भाई 197 रन भाई 18 ओवरों के अंदर ही भाई चेस कर लिए, 14 बॉलें जो थी वो भी बाकी थी। तो भाई जान हम चलते हैं भाई स्कोर कार्ड की तरफ। सबसे पहले तो भाई हम स्कोर कार्ड देखेंगे। तो कनाडा की अगर बैटिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे भी भाई कितनी 50s लगी हैं, एक दो और फिर 30+ रन भी एक आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरी जो टीम है भाई अच्छे से बैटिंग कर सकती है। तो जो मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में भाई आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्यों ये आपसे बातें कर रहा हूँ। यानी कि दो 50s लगी हैं और एक 30+ स्कोर लगी है, ठीक हो गया। तो ये टारगेट टोटल बना था 194। इसके बाद हम यूएसए की बॉलिंग की बात करते हैं। तो यूएसए की जो बॉलिंग थी, तो आजकल अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो अब जो क्रिकेट है वो भाई बॉलर्स की नहीं है, अब वो बैटिंग की है। अब जो भी मैच होता है ना वो बैटिंग बेस पे ही जीता जाता है, बॉलिंग में भी कोई ख़ास नहीं। और देखे दो चार 7 बॉलर भाई यूज़ किए अमेरिका ने, 7 बॉलर्स। तो भाई हैरान किन बात है भाई, ये टीम का कोई समझ नहीं आ रही, इस टीम को लाइट नहीं लिया जा सकता। तो आगे जाके भाई बता रहा हूँ, आपको भी थोड़ा थोड़ा शक हो गया होगा मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। एनीवेज, जो बात मैं आपसे भाई करने वाला हूँ तो भाई उसमें अब के जो यूएसए की बैटिंग थी मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो भाई साहब देखे यहाँ पे, तो भाई पहले तो जो ओपनर्स थे वो तो भाई जल्दी आउट हो गए दोनों, एक तो अंडे पे टच चला गया और दूसरा ओपनर भाई 100 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों में 16 बना के गया। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम यूएसए की बैटिंग की बात करें तो यही लग रहा था कि 194 जो है वो भाई चेज नहीं हो पाएगी, लेकिन भाई यहाँ पे भाई एक बैट्समैन ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, एरन जोन्स भाई साहब, उसने वो टकाई की है भाई 235 के स्ट्राइक रेट से भाई 40 गेंदों में भाई उसने 94 रन ठोक दिए। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है तो मुझे तो लग रहा है कि भाई ये खा जाएंगे हमारे बॉलर्स को, भाई इन्होंने खा जाना है। तो जैसे कि नज़र आ रहा है कि हमारी जो बॉलिंग हो रही है, आयरलैंड है हमारी बॉलिंग को लाइट ले रहे हैं भाई, कोई भी टीम है हमारी बॉलिंग को लाइट ले रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है जैसे हम लास्ट T20 में हम जिम्बाब्वे से हार गए थे, मुझे लग रहा है हमने इस बार यूएसए से हार जाए लग ऐसे रहा है भाई कि यूएसए से हमने हार जाना है। भाई वो बैटिंग चेक करो भाई, कोई मतलब कि कोई इज्जत, कोई बंदा थोड़ी सी इज्जत रख देता है किसी की, कोई बंदा लिहाज कर लेता है, कोई बंदा थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेता है। भाई प्यार मोहब्बत वाली तो बात ही नहीं है भाई, एरन जोन्स तो भाई वो तो लग रहे थे जैसे साउथ अफ्रीका के बुहुमा भाई कैप्टन, जो पिछले T20 में छोटी सी उनकी हाइट है, ऐसे ही लग रहे थे जैसे उनके छोटे भाई खेल रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो ही आ गया यहाँ पे खेलने के लिए। तो भाई 10 छक्के मारे हैं इन्होंने अपने इनिंग में, 10 छक्के, तो 4 भाई इन्होंने चौके मारे। अब ये भी क्या कहा जा सकता है भाई, वो कनाडा टीम तो भाई छोटी थी, बच्ची थी, तो यार ठीक है छोटी थी, अभी तो पाकिस्तान के सामने जब इन्होंने आना है तो मुझे तो लग रहा है कि भाई हमें जो चौके छक्के लगने वाले हैं तो भाई हमारी तो लगता है ग्रुप स्टेज में ही फारग होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएसए ने भाई कनाडा बांग्लादेश को भी भाई 2-1 से सीरीज़ हराई अभी रिसेंटली, वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ हो रही थी। तो मैं तभी देख रहा था कि तभी जो बॉलिंग कर रहे थे ये विकेट विकेट बॉल करते हैं, और प्लस जो बैटिंग अब जो मुझे नज़र आई है भाई यहाँ पे, तो वो तो यही लग रहा है कि भाई ये माफ़ नहीं करने वाले हमारे बॉलर्स को, ख़ासतौर पर जो शादाब खान साहब जो लेकर गए हैं ना, टॉप क्लास जो बॉलर हम यहाँ पे लेग ब्रेक यहाँ से लेके गए, तो मुझे नहीं लगता उसे माफ़ी मिलेगी भाई वहाँ पे। अभी तो भाई ओपनर आउट हो गए, अभी तो ओपनर्स जो थे उनकी हमें इनिंग का पता नहीं चला कि वो किस तरह के बैटिंग करते हैं, अभी तो वो जल्दी आउट हो गए थे। तो नीचे आने वालों तो भाई दोनों ने तो माफ़ी नहीं दी भाई, एक ने तो 46 गेंदों में 65 मारी भाई, ठीक है भाई नज़र आता है भाई उसने लिहाज रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है समझ आती है इनिंग की। ओ भाई ये क्या बात हुई भाई, 40 गेंदों में भाई 94 रन ठोक दिए भाई, तो हमारे ग्रुप की टीम है भाई अगर आपको नहीं पता।
तो ये टीमें जो है वो पाकिस्तान के ग्रुप में है, कनाडा और ये यूएसए। ये हमारे ग्रुप का ही पहला मैच हुआ था, ग्रुप ए का। तो इंडिया से तो पता नहीं हम जीते हैं कि नहीं जीते, ये तो उस दिन ही जाके पता चलेगा। लेकिन भाई ये जो यूएसए वालों ने किया, तो भाई मुझे तो यही लग रहा था हमारा ग्रुप बहुत आसान है, लेकिन जो यूएसए ने कर दिया, तो भाई इसके बाद तो यही लग रहा है कि भाई हमें जो है ना वो माफ़ी नहीं मिलने वाली हमारे शताब खान को, जो वो टॉप क्लास लेग ब्रेक गया यहाँ से। तो अल्लाह भला करे भाई इनका कि ये अच्छी बॉलिंग करें और मैच जीते, लेकिन लग यही रहा है कि हमारे साथ फटा पड़ जाना है। अगर ये मैच पाकिस्तान जीता भी तो ऐसे जीतेगा जैसे रिंग 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 के जीते हैं ना, कुछ ऐसा मैच वन साइडेड नहीं होने वाला। हाँ, इंडिया इस ग्रुप में वन साइडेड ही रहेगा भाई, वन साइडेड ही सारे मैचेस जीतेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं मुझे, वो यहाँ पे यही नज़र आ रहे हैं कि भाई ये भाई जोंस भैया यार हमारा थोड़ा सा ख्याल कर रहा ना, अभी इतने छक्के ना मारना। तो भाई हम पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ जब आपका मैच होगा तो भाई हमारी थोड़ी सी जो है ना भाई लिहाज हमारे बॉलर्स का कर लेना। एनीवेज, तो आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी मैंने ये वाली, क्योंकि ये पहला मैच था T20 का और इसमें जो है वो यूएसए है वो बड़े अच्छे तरीके से भाई उन्होंने बैटिंग की और ये मैच जीत गए। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि 197 रन इतना आसान नहीं होता T20 में चेज़ करना, तो वो भी 20 ओवरों के अंदर। तो अब जब उन्होंने चेज़ करके बता दिया कि भाई ये तो 18 ओवरों में भी चेज़ हो जाती है, इससे अलावा 220-30 होती तो वो भी चेज़ हो जानी थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, आज शाम को मैच भाई वेस्ट इंडीज़ का होने वाला है, तो उसमें देखेंगे भाई वो क्या करने वाले हैं। अब उनका भी देखना है कि भाई वेस्ट इंडीज़ किस तरह से करते हैं, खेलते हैं। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।